गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCD क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.5 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट सम में आपको बोला गया है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड एडजॉइंट, दो पार्ट इसमें दिए हुए हैं आपको, हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट जो सम है आपके पास, उसमें 2×2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4। आपको बोला गया है कि इसका एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, एडजॉइंट हमारा क्या होता था, एडजॉइंट में हम कोफैक्टर्स की, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के उससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज करते थे। वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले क्या निकालो, इसके कोफैक्टर्स निकालो। तो कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर, पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, जो a11 आएगा वो कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1+1 और इनटू में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचता है डेट इज़ 4। तो -1 की पावर इवन है तो यहाँ पर आंसर कितना रहेगा, 4। अब देखो a12 में -1 की पावर 1+2 और ये रो कॉलम डिलीट करने पर एलिमेंट बचता है 3, तो यहाँ कितना आएगा, -3। a21 जब हम करेंगे तो -1 की पावर 2+1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर जो एलिमेंट बचता है वो लिखेंगे 2, तो यहाँ आएगा -2। और a22 जब आप निकालेंगे तो -1 की पावर 2+2 इंटू में 1, तो यहाँ से आएगा 1। तो जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनी आपके पास वो बनी 4, -3, -2 एंड 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये आपकी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनी थी, a11 की जगह 4, a12 की जगह -3 और a21 की जगह -2, a22 की जगह 1। अब इसका आपको करना है ट्रांसपोज। तो आपका एडजॉइंट ए क्या निकल जाएगा, 4, -2, -3 एंड 1। ये हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ से आपका जो एडजॉइंट ए आया वो क्या आया, 4, -2, -3 एंड 1। सेकंड सम में भी आपको 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, आपको एडजॉइंट निकालने के लिए बोला गया है। अब देखो जो थर्ड सम है, थर्ड सम में आपको क्या करना है, वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल दिखाना आपको, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। जो थर्ड और फोर्थ है उसमें आपको यही करना है, ये वेरीफाई करके दिखाना आपको। तो देखो, थर्ड में जो आपको गिवन है वो एक 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हम ए मानकर चलेंगे इसको, मान लिया ए क्या है हमारे पास, 2, 3, -4 एंड -6। तो अब देखो आपको इसमें कितनी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ए तो आपके पास ये मैट्रिक्स खुद है, फिर आपको निकालना है एडजॉइंट ए, तो इसके कोफैक्टर्स निकाल कर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे जैसे हमने फर्स्ट सम में किया है। फिर हमें ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए निकालना है, तो मतलब हम इस ए की और जो एडजॉइंट ए आएगा उसकी आपस में प्रोडक्ट करेंगे। और फिर एक हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में सीखा है, वो हम निकालेंगे। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है। अब अगर ए ये है तो हमने देखो एडजॉइंट निकालने के लिए 2×2 ऑर्डर की अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए एक रिमार्क हमने पढ़ा था कि जो एडजॉइंट ए होता है इसका, उसमें क्या होता है, a11 और a22 एलिमेंट्स को तो हम इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ तो -6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। और जो a12 और a21 होता है इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा -3 और ये आएगा 4। ये आप कोफैक्टर्स निकाल कर
करके भी देख सकते हैं। और रिमार्क में जो हमने पढ़ा था कि इनको इंटरचेंज करना है और इनके साइन चेंज करने हैं, तो वो आपके एडजॉइंट के इक्वल आएगा, तो वो हमने डायरेक्ट कर लिया अभी। तो यहाँ से आपके पास ए हो गया, एडजॉइंट ए हो गया। अब हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए करो। अब प्रोडक्ट करनी है आपको, ए क्या है, 2, 3 माइनस 4 एंड माइनस 6, एंड एडजॉइंट ए क्या है, माइनस 6 माइनस 3 4 एंड 2। आप देखो प्रोडक्ट में कैसे होगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो करो, 2 इंटू माइनस 6 करेंगे माइनस 12, प्लस 3 इंटू 4 करेंगे तो 12। फिर देखो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस 6, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करो, माइनस 4 इंटू माइनस 6 तो 24, माइनस 6 इंटू 4 24। और यहाँ पर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, 4 इंटू 3 12, यहाँ पर प्लस साइन आता है, ये माइनस है तो माइनस, 6 इंटू 2 12। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट कितनी आई आपके पास, 0, 0, 0 एंड 0। तो आपके पास जो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए जब आपने किया तो 0 मैट्रिक्स आ रही है। अब देखो आपके पास ए भी आ गया, एडजॉइंट ए भी आ गया, और ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए भी आ गया। अब बचता क्या है, डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, 2, 3 माइनस 4 एंड माइनस 6, इसको कैसे निकालते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 2 और माइनस 6 इज माइनस 12, फिर माइनस साइन इंटू में माइनस 12, तो ये हो गया माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की आइडेंटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू आइडेंटिटी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तब यहाँ से देखो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई वो भी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आई, और जो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी हुई वो भी आपके पास 0 आई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हैंस वेरीफाइड। यही आपको प्रूव करके दिखाना था कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होता है। जो आपका फोर्थ सम है इसमें भी सेम आपको यही चीज़ वेरीफाई करनी है। अब देखिए फिफ्थ सम, फिफ्थ सम में आपको बोला गया है इनवर्स निकालने के लिए। फिफ्थ में है फाइंड इनवर्स, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो है 2 माइनस 2 4 एंड 3। तो 2 माइनस 2 4 एंड 3 लेट कर लिया, ये ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास। अब आपको जो है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स का हमने क्या पढ़ा था कि इनवर्स का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला ही निकाल लिख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा हमें निकालना क्या है। तो जो ए इनवर्स होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको चाहिए होता है। तो अब देखो आपको इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा इनवर्स के लिए, एक तो आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले, और इसमें कंडीशन क्या चलती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, डिटर्मिनेंट ए को ही चेक करो कि ये नॉन जीरो आना चाहिए। अगर ये 0 आता है तो फिर तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ही चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 माइनस 2 4 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू ज़ा 6 माइनस माइनस में 4 इंटू 8 2, ये हो जाएगा 8, 6 प्लस 8 इज 14, डेट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट 0, सो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स
इज पॉसिबल अब देखो आपका इनवर्स जो है पॉसिबल है एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स आपका क्या होता है वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजोइंट ए। अब आपके पास बचा है एडजोइंट ए निकालना। एडजोइंट ए हम 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ इसका जो A11 और A22 है उसको तो इंटरचेंज कर दो तो यहाँ 3 यहाँ 2 आ जाएगा और जो यहाँ पर A12 था इनके साइन चेंज करने हैं तो ये आ गया आपके पास एडजोइंट ऑफ ए। तो आप निकाल दो ए इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट कितना आया था 14 और एडजोइंट ए कितना आया है आपके पास 3, 2 - 4 and 2। तो ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स। तो आपको 5th to 11th तक यही चीज़ आपको निकाल कर दिखानी थी तो ये आप खुद से ट्राई करना आगे। हमने 5th सम करके देख लिया है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th ये सम बिल्कुल सेम है। आपको इसी तरीके से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है एंड देन एडजोइंट ए निकालना है। अब देखो जो आपका 12th सम है उसमें आपको बोला गया है कि लेट ए इज इक्वल्स टू 3, 2, 7, 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 6, 8, 7 and 9। तो आपको वेरीफाई करना है इसमें दैट ए बी का जो इनवर्स होगा आपका वो किसके इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको निकाल कर दिखाना है। तो आप देखो आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको देखो ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है दोनों का कॉमन इनवर्स भी चाहिए तो सबसे पहले आपको ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करके उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग भी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, डिटरमिनेंट चेक करते हैं। देखो अगर हम ए का इनवर्स निकालें या बी का इनवर्स निकालें तो सबसे पहली कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि ये दोनों का डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल कर देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 3, 7, 2 and 5 ये हो जाएगा 3×5 = 15 - 14 = 1 that is not equals to 0। तो यहाँ से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा डेट इज़ 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजोइंट ऑफ ए। अब इसके लिए देखो डिटरमिनेंट ए निकल गया, आपको चाहिए क्या एडजोइंट ऑफ ए भी चाहिए। एडजोइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 2×2 ऑर्डर की है तो आप क्या करो 5, 3 - 7 - 2। अब देखो ए इनवर्स क्या हो गया यहाँ से, अब डिटरमिनेंट तो क्या है 1 ही है यहाँ पर तो 1/1 तो कोई मैटर नहीं करता तो ये एडजोइंट ए के इक्वल ही आ गया। तो यहाँ से हमने ए इनवर्स निकाला। अब बी के लिए चेक करो, बी के लिए जब आप डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो ये होगा 6, 7, 8 and 9 9×54 - 72 हमें इन दोनों की करनी है तो ये 6×9 जा तो हो गया आपके पास 54 और -8×7 जा हो गया 56। तो यहाँ से आपके पास आया -2 डेट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी इनवर्स क्या होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी एडजोइंट ऑफ बी। अब एडजोइंट ऑफ बी कैसे निकलेगा, वही 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपको A11 और A22 एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है और इनके साइन चेंज कर देने हैं तो ये आ गया आपके पास एडजोइंट बी। तो अब देखो बी इनवर्स क्या बना, बी इनवर्स आ गया आपके पास 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी
कितना था माइनस टू, और एडजॉइंट ऑफ बी कितना था नाइन माइनस एट माइनस सेवन एंड सिक्स। तो ये आ गया आपके पास बी इनवर्स। तो अब देखो आपने ए इनवर्स निकाल लिया और बी इनवर्स निकाल लिया, तो अब आपको राइट हैंड साइड में निकालना था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो वो देखो अब बी इनवर्स आपके पास कितना आया है वन बाय माइनस टू, नाइन माइनस एट माइनस सेवन सिक्स, और ए इनवर्स कितना आया था आपके पास फाइव माइनस सेवन माइनस टू थ्री, फाइव माइनस सेवन माइनस टू एंड थ्री। तो अब देखो इस वन बाय माइनस टू को यहीं रख लेते हैं। इन दो मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी होती है, फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव, ये माइनस माइनस प्लस, एट इंटू टू इज़ सिक्सटीन। फिर यहाँ पर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो नाइन सेवन ज़ा माइनस सिक्सटी थ्री, और ये माइनस साइन एट थ्री ज़ा कितना होता है ट्वेंटी फोर। फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस सेवन इंटू फाइव माइनस थर्टी फाइव, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो अब सिक्स और माइनस टू की करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आएगा। फिर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन फोर्टी नाइन हो जाएगा, और सिक्स इंटू थ्री एटीन हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कितनी आई आपके पास वन बाय माइनस टू, यहाँ पर यहाँ देखो कितना आएगा सिक्स और फाइव वन, फोर वन फाइव और एक सिक्स सिक्सटी वन, यहाँ पर सेवन एट ये हो गया माइनस एटी सेवन, यहाँ पर सेवन फोर माइनस फोर्टी सेवन, और यहाँ पर आएगा सेवन सिक्स सिक्सटी सेवन। तो यहाँ पर आया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, आपने ये निकाल दिया। अब देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बची है करने को, लेफ्ट हैंड साइड में आपको निकालना था ए बी का इनवर्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ए और बी की आप मल्टीप्लिकेशन करो, ए क्या है आपके पास थ्री सेवन टू फाइव, और बी क्या है सिक्स सेवन एट नाइन, सिक्स सेवन एट नाइन, ये है आपके पास बी। अब इनके प्रोडक्ट करेंगे जब, तो देखो पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो थ्री इंटू सिक्स एटीन प्लस सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर प्लस सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, और यहाँ पर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व प्लस फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव। सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे सेकंड रो की, तो यहाँ से सिक्सटीन प्लस फोर्टी फाइव। तो ये जो प्रोडक्ट आई आपके पास ये कितनी आ गई, यहाँ से देखो सेवन सिक्स, यहाँ पर सेवन एट सेवन फोर, और ये हो गया सिक्सटी वन। तो ए और बी की आपके पास प्रोडक्ट आ गई ये। अब आपको चाहिए था ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट चेक करना है कि नॉन ज़ीरो है या नहीं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे, तो मतलब डिटरमिनेंट आपको करना है सिक्सटी सेवन एट्टी सेवन फोर्टी सेवन एंड सिक्सटी वन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिक्सटी सेवन मल्टीप्लाई सिक्सटी वन माइनस में एटी सेवन मल्टीप्लाई फोर्टी सेवन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आएगा फोर थाउजेंड एटी सेवन माइनस फोर थाउजेंड एटी नाइन, तो ये आएगा माइनस टू, डेट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर भी जो आपका ए बी का इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, और इसके लिए हमें डिटरमिनेंट पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी।
एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा? ए बी मैट्रिक्स से आपके पास 67, 87, 47 एंड 61। 2×2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? तो देखो, इन दो को हमें इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पर 61, यहाँ पर 67। इन दो के हमें साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ -87, यहाँ पर -47। आप देखो, अब आपको निकालना है ए बी का इनवर्स, वो क्या होगा? 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना आया? -2, एंड एडजॉइंट ए बी की जगह पर 61 -87 -47 एंड 67। तो ये देखो, ये आपका किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है आपका बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल। देखो, यहाँ पर हमने किया था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हमने यहाँ पर निकाला था, ये भी आपका यही आ रहा है, और ए बी का जो इनवर्स निकाला आपने ये भी यही आ रहा है। तो हमने लिखा कि ए बी का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आ गया? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ से लिखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल। हेंस इट इज़ वेरीफाइड। तो देखो, आज हमने अपने 12th सम तक किए हैं, जो बाकी के बचे हैं 13th to 18th सम, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।